नवरात्रि के पहले दिन बड़ी संख्या में माँ दुर्गा के भक्त अपने घर पर मंगल घट स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, साथ ही 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आराधना का यह पर्व प्रथम तिथि को घट यानी कलश स्थापना से आरंभ होता है, साथ ही 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। घट स्थापना करते समय यदि कुछ नियमों का पालन भी किया जाए तो और भी शुभ होता है। इन नियमों का पालन करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ 9 दिन के लिए देवी माँ का पूजन शुरू किया जाता है। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस साल चैत्र घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त शनिवार सुबह 6:22 से 8:31 तक रहेगा। इस साल चैत्र घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त शनिवार सुबह 6:22 से 8:31 तक रहेगा, यानी कि कुल अवधि 2:09 की रहेगी। इसके अलावा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:57 तक रहेगा। इस समय घट स्थापना करने से नवरात्रि फलदायी होती हैं। अगर आप घर में कलश स्थापना कर रही हैं, तो सबसे पहले कलश पर स्वास्तिक बनाएं, फिर कलश पर मौली बांधें और उसमें जल भरें। कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र और पंच रत्न व सिक्का डालें, इसमें अक्षत भी डालें। घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। नित्य कर्म और स्नान के बाद ध्यान करें। इसके बाद पूजन स्थल से अलग एक पाटे पर लाल व सफेद कपड़ा बिछाएं। इस पर अक्षत से अष्ट दल बनाकर इस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश का मुंह खुला न रखें, उसे किसी चीज से ढक देना चाहिए। अगर कलश को किसी ढक्कन से ढका है तो उसे चावलों से भर दें और उसके बीचों बीच एक नारियल भी रखें। इस कलश में शतावरी जड़ी, हलकुंड, कमल गट्टे व रजत का सिक्का डालें। दीप प्रज्वलित कर इष्ट देव का ध्यान करें। तत्पश्चात देवी मंत्र का जाप करें। अब कलश के सामने गेहूं व जौ को मिट्टी के पात्र में रोपें। इस ज्वारी को माता जी का स्वरूप मानकर पूजन करें। अंतिम दिन ज्वारी का विसर्जन करें। न्यूज विंग की ब्यूरो रिपोर्ट।